गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 58 आंसर द क्वेश्चंस। ओके सो चिल्ड्रन, ओपन योर बुक। आर यू रेडी? ओके, लिसन मी केयरफुली। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई आर डिफरेंट कलर्स ऑफ सैंड सीन ऑन डिफरेंट बीचेस। ओके, इट मीन्स जो डिफरेंट कलर होते हैं, ओके, किसके? सैंड के। जो सैंड यानी रेत के डिफरेंट कलर, अलग अलग जो रंग होते हैं, यानी कि अलग अलग कलर की, अलग अलग रंग की जो सैंड पाई जाती है या देखी जाती है, ठीक है, डिफरेंट बीचेस, ओके, तो वो क्यों होती है? आंसर इज डिफरेंट कलर्स ऑफ सैंड आर समटाइम्स सीन ऑन डिफरेंट बीचेस। डिफरेंट कलर जो होता है बेटा, वो किसका कलर? सैंड का कलर। आर समटाइम्स सीन, कभी कभी देखा जाता है डिफरेंट बीचेस पे। ओके, द कलर्स कुड बी पिंक, वाइट और ग्रीन। कौन कौन से कलर हो सकते हैं जो डिफरेंट सैंड होती हैं डिफरेंट कलर की? तो वो कौन कौन से कलर की हो सकती है? पिंक हो सकती हैं, वाइट हो सकती हैं और ग्रीन हो सकती हैं। ओके, द कलर ऑफ सैंड डिपेंड्स ऑन द रॉक्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम विच द सैंड हैज फॉर्म्ड। ओके, जो कलर होता है सैंड का, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि वो किस तरह की चट्टान से, रॉक से एंड मटेरियल्स, किस तरह के पदार्थ से बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब किस तरह की जो है रॉक्स से और मटेरियल से वो सैंड बनी हुई है, उसका कलर उस पर डिपेंड करता है। द व्हाइट कलर्ड सैंड ऑन ट्रॉपिकल बीचेस कम्स फ्रॉम डेड कोरल्स। ओके, व्हाइट कलर जो आता है वो कैसे आता है? डेड कोरल से आता है। विच आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। द बीचेस इन हवाई आर कलरफुल ड्यू टू वॉल्केनिक मटेरियल। ओके, तो जो बीचेस होते हैं किसमें? हवाई आर कलरफुल ड्यू टू वॉल्केनिक, मीन्स जो होता है बेटा ज्वालामुखी पदार्थ के बने होते हैं। द पिंक सैंड ऑफ बारमूडा गेट्स इट्स कलर फ्रॉम कोरल रीफ्स एंड शेल्स। जो पिंक कलर होता है बारमूडा सैंड का, पिंक कलर होता है, ओके, वह प्रवाल भित्ति और शेल से बना होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट मेक्स माय फुट गो टू स्लीप। ओके, यानी कि मेरे पैर जो है सो क्यों जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पैरों में जो झंझनाहट होती है शून्य क्यों हो जाता है। ओके, आंसर इज व्हेन अ लॉट ऑफ फोर्स प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फुट। ओके, जब बहुत ज्यादा पैर पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। ओके बेटा, पैर पर जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है या बल पड़ता है, तब क्या होता है? द नर्वस गेट टेम्परेली कंप्रेस्ड। तो जो नर्वस होती हैं वो अस्थायी रूप से क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। ओके, दिस इंटरप्ट्स द ब्लड फ्लो, और ये जो ब्लड का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, इसको क्या करता है? बाधित कर देता है, इंटरप्ट कर देता है। ओके, ड्यू टू दिस द नर्वस आर नॉट एबल टू सेंड मैसेज टू द ब्रेन प्रॉपरली, और इसके कारण जो है, जो हमारी नर्वस होती हैं, वो क्या होता है, वो योग्य नहीं होती हैं क्या मैसेज को सेंड करने के लिए प्रॉपरली, ठीक तरह से। ओके, ब्रेन को, द ब्रेन इज ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट टू डू विद द दो सिग्नल्स। ओके, ब्रेन भी जो है योग्य नहीं होता, एबल नहीं होता है ये समझने के कि वह जो है व्हाट टू विद दो सिग्नल्स के साथ वो क्या करे। सो इट प्रोड्यूस डिफरेंट सेंसेशंस व्हेन द प्रेशर इज टेकन ऑफ। ओके, इसलिए यह विभिन्न संवेदनाओं का उत्पादन करता है। व्हेन द प्रेशर इज टेकन ऑफ द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रीली बट इट टेक्स सम टाइम्स फॉर द फीलिंग टू गो कम्प्लीटली। ओके, लेकिन जैसे ही प्रेशर जो है, दबाव कम होता है, नॉर्मल हो जाता है दबाव जो रहता है, ठीक है, तो फिर से जो ब्लड का
सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगता है और उसके बाद से जो झंझनाहट होती है पैरों में, ओके, जो हमारा फुट होता है स्लिप हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है, फिर से पहले जैसा हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर 3 इज व्हाई डज अ पर्सन स्नोर, मतलब कि एक व्यक्ति जो है खर्राटा क्यों लेता है। ओके, जब आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग सोते हैं तो सोते समय खर्राटे लेते हैं ना, तो वो क्यों होता है। ठीक, आंसर इज अ पर्सन स्नोर व्हेन ही कैन नॉट ब्रीथ फ्रीली थ्रू हिज नोज व्हाइल स्लीपिंग। एक व्यक्ति स्नोरजब खर्राटा तब लेता है जब ही कैन नॉट ब्रीथ फ्रीली, वह अच्छी तरह से जो है स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले पाता है। ओके, जब वो सो रहा होता है। दिस इज ऑफन कॉज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द एयर वे आइदर ड्यू टू पुअर स्लीप पोस्चर्स और एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन द थ्रॉट। ओके, क्यों होता है सर, जब वो सो रहा होता है उसका जो बॉडी पोस्चर होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो जिससे सांस लेने में ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। ओके बेटा, और गले में नरम ऊतक की असमानता होती है, इस वजह से वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसको खर्राटे आने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 इज व्हाट गिव्स फ्लावर्स देयर ब्राइट कलर्स। ओके, जो फ्लावर्स का ब्राइट कलर होता है वो कहाँ से आता है, कैसे मिलता है। ओके बेटा, आंसर इज फ्लावर्स गेट देयर ब्राइट कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इन देम। जो फ्लावर्स का जो ब्राइट चमकीला कलर होता है वो फ्लावर्स में डिफरेंट अलग अलग तरह के पिगमेंट की प्रेजेंस यानी उपस्थिति की वजह से मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेड पर्पल ब्लू एंड पिंक फ्लावर्स हैव अ कंपाउंड, ओके, कॉल्ड एंथोयानिन। जो एग्जाम्पल के लिए रेड पर्पल ब्लू एंड पिंक कलर के जो फ्लावर होते हैं उनके पास एक यौगिक होते हैं जिसको हम एंथोसायनिन कहते हैं, ठीक है, विच बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, जो कि एक फ्लेवोनॉइड्स के वर्ग से संबंधित रखते हैं। एंथोसायनिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट पिगमेंट फॉर द फ्लावर्स। ओके, एंथोसायनिन इज द मोस्ट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट पिगमेंट होता है फॉर फ्लावर्स कलरेशन, किसके लिए, फूलों की रंगाई के लिए। ओके बेटा, उनमें अलग अलग रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण फूलों को उनका उज्ज्वल रंग मिलता है, पिगमेंट मीन्स होता है रंग द्रव। ओके बेटा, आई होप यू डेट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।